रुक करते हैं विस्तार से गतिविधि की ओर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर हमीरपुर के गांधी चौक पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिरकत की और सैकड़ों स्कूली छात्रों की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर विधायक नरेंद्र ठाकुर, जिला परिषद चेयरमैन राकेश ठाकुर, एपीएमसी चेयरमैन अजय शर्मा भी मौजूद रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर हमीरपुर के गांधी चौक पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिरकत की और सैकड़ों स्कूली छात्रों की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर विधायक नरेंद्र ठाकुर, जिला परिषद चेयरमैन राकेश ठाकुर, एपीएमसी चेयरमैन अजय शर्मा भी मौजूद रहे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि महान विभूति सरदार पटेल का योगदान देश के लिए सदैव याद रहेगा और उनके नाम पर ही देश के कोने कोने पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज के दिन सरदार पटेल को पूरा देश उनके किए गए कामों के कारण याद कर रहा है। जिस महान शख्सियत ने देश को एकजुट किया, 562 से ज्यादा रियासतों का विलयकरण भारत में हुआ, उनके नाम पर भारत के कोने कोने में रन फॉर यूनिटी का आज कार्यक्रम किया गया है। सरदार पटेल एक ऐसी शख्सियत थे जो न केवल देश के पहले गृह मंत्री थे, बल्कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जो भारत की नींव रखी है वो इतनी मजबूत है कि हजारों डायलेक्ट्स बोलियां होने के बावजूद भी, कई राज्य होने के बावजूद भी, पहाड़ों से समुद्र रेगिस्तान से लेकर दुर्गम क्षेत्रों तक फिर भी देश एकजुट है तिरंगे के नीचे। इसकी नींव किसी ने रखी तो सरदार पटेल ने रखी थी और इसलिए देश उनको आज याद करता है। इसलिए उनके नाम पर दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर का बनाया गया। यही कारण है कि देश के हर जिले में आज रन फॉर यूनिटी में लाखों युवाओं ने भाग लिया है, ये संदेश देने के लिए कि सरदार का नारा था देश को एकजुट करने का, इस देश को एकजुट भी करेंगे, एकता अखंडता भी बनाए रखेंगे और देश को आगे ले जाने का काम भी आज की पीढ़ी करेगी। हमीरपुर एनआईटी संस्थान में नौकरियों में धांधलियों के आरोपों पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि एनआईटी हमीरपुर के विषय में एमएचआरडी मंत्री से मिलकर कई बातों पर चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि संस्था को बचाए रखने के लिए जो भी नियमों अनुसार होगा वे काम किया जाएगा। मैं आज से लगभग 10 दिन पहले एचआरडी मंत्री से मिला था और जब मिला था तो उनसे बहुत सारी चर्चाएं भी हुई। जिसको सही स्थान पर रखना था वहां पर रखा गया है। केवल मीडिया की खबरों में सुर्खियां बनने के लिए नहीं, एक संस्था को बचाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे, लेकिन कानून नियम जो बने हैं उसके बहुत सारी बाधाएं रहती हैं, उनके चलते क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभव है, वो हमने कभी उसको राजनीतिक रूप से लाभ उठाने का काम नहीं किया, लेकिन सरकार के ध्यान में जो बातें आनी चाहिए थी वो हमने मिलकर 10 दिन पहले उनके ध्यान में वो लाए भी हैं और आगे उन पर क्या क्या कार्रवाई हो उस दिशा में सरकार काम भी करेगी। हमीरपुर में रेल लाइन के मुद्दे पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि वित्तीय स्थिति के अनुसार 50% हिस्सा हिमाचल सरकार वहन नहीं कर पाई है, जिस कारण रेल लाइन के लिए देरी हो रही है। रेलवे लाइन केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के कमेंट्स मांगे थे कि 50% जो भागीदारी होगी उसमें हिमाचल सरकार को अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कहा था। हिमाचल सरकार ने अपने बात कही है कि जो वित्तीय स्थिति है उसके अनुसार हिमाचल सरकार 50% हिस्सा जो है वो खर्चा नहीं कर पाएगी। केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि चुनावों के बाद हरियाणा में सरकार बनाई है और अब महाराष्ट्र में भी सहयोगी दल के साथ बीजेपी सरकार बना रही है और फर्नांडिस मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हमने हरियाणा में भी सरकार बनाई, कल मैं दिल्ली में था, आज मैं आकर यहाँ पर कह सकता हूँ महाराष्ट्र में भी हम शीघ्र सरकार बनाने जा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के साथ मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं।